हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हम मॉडर्न एज से रिलेटेड मेजर राइटर्स और उनके मेजर वर्क्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो मॉडर्न एज जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1910 से 1945 तक। इसमें मेजर पोइट्स हैं, मॉडर्न एज के जो मेजर पोइट्स हैं वो हैं, फर्स्ट है इसमें डब्ल्यू बी ईट्स, इनका टाइम पीरियड है 1865 से 1939 तक। इनके वर्क्स हैं, पोइट्री है इनकी द वांडरिंग्स ऑफ ओइसिन एंड अदर पोइम्स, नेक्स्ट द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फी, नेक्स्ट द सेल्टिक ट्विलाइट, नेक्स्ट द रोज, नेक्स्ट द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, नेक्स्ट द विंड अमंग द रीड्स, नेक्स्ट द शेडोई वॉटर्स, नेक्स्ट इन द सेवन वुड्स, नेक्स्ट द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स, नेक्स्ट ईस्टर, नेक्स्ट द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, नेक्स्ट द सेकेंड कमिंग, नेक्स्ट द टावर इंक्लूड्स सेलिंग टू बाई जेंटियम, नेक्स्ट बाय जेंटियम एंड लेडा एंड द स्वान, नेक्स्ट है अ पैकेट फॉर एज्रा पाउंड, नेक्स्ट लास्ट पोएम्स एंड टू प्लेस पोएम्स एंड ड्रामा, ये इनका पोस्ट्यूमस वर्क है। नेक्स्ट है ऑन द बॉयलर एसेज पोएम्स एंड अ प्ले, ये भी इनका पोस्ट्यूमस वर्क है। प्लेज है इनके मुसाडा, नेक्स्ट काउंटलेस कैथलीन, नेक्स्ट डी डेयर, नेक्स्ट द रिसरेक्शन, द हंस एग। नेक्स्ट राइटर है विलियम हेनरी डेविस, इनका टाइम पीरियड है 1871 से 1940 तक। इनके मेजर वर्क्स हैं द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स, नेक्स्ट न्यू पोएम्स, नेक्स्ट नेचर पोएम्स, नेक्स्ट है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प, नेक्स्ट बैगर्स, नेक्स्ट है फेयरवेल टू पोएजी, नेक्स्ट सॉन्ग्स ऑफ जॉय एंड अदर्स, नेक्स्ट द ट्रू ट्रैवलर, ये ऑटोबायोग्राफी है, नेक्स्ट फोलिएज वेरियस पोएम्स, नेक्स्ट नेचर, ये भी ऑटोबायोग्राफी है, नेक्स्ट है 40 न्यू पोएम्स, नेक्स्ट द सॉन्ग ऑफ लाइफ, नेक्स्ट द पोइट्स अल्फाबेट, नेक्स्ट द सॉन्ग ऑफ लव, नेक्स्ट द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ डब्ल्यू एच डेविस, नेक्स्ट लव पोएम्स, नेक्स्ट द बर्थ ऑफ सॉन्ग, नेक्स्ट है द पोएम्स ऑफ डब्ल्यू एच डेविस, नेक्स्ट है द एडवेंचर्स ऑफ जॉनी वॉकर ट्रैम्प, नेक्स्ट माई बर्ड्स एंड माई गार्डन। नेक्स्ट राइटर है अल्फ्रेड नोइस, इनका टाइम पीरियड है 1880 से 1958 तक। इनके मेजर वर्क्स हैं द लूम ऑफ इयर्स, नेक्स्ट द फ्लावर ऑफ ओल्ड जापान, नेक्स्ट पोएम्स, नेक्स्ट द फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड थाइम, नेक्स्ट 40 सिंगिंग सीमैन, नेक्स्ट द इंचेंटेड आइलैंड, नेक्स्ट टेल्स ऑफ द मरमेड टैवर्न, नेक्स्ट द टॉर्च बियरर्स, नेक्स्ट Some aspects of modern poetry, next the opalescent parrot, next pageant of letters, next the unknown god, next the words for memory, next the flower of old Japan and other poems. Next writer hai Lascelles Abercrombie, इनका टाइम पीरियड है 1881 से 1938 तक। इनके मेजर वर्क्स हैं इंटरल्यूड्स एंड पोइम्स, नेक्स्ट एम्ब्लेम्स ऑफ लव, नेक्स्ट थॉमस हार्डी, नेक्स्ट द डेजर्टर, नेक्स्ट द थ्योरी ऑफ पोइट्री, नेक्स्ट द आइडिया ऑफ ग्रेट पोइट्री, नेक्स्ट रोमांटिसिज्म, नेक्स्ट कलेक्टेड पोइम्स, नेक्स्ट है द सेल ऑफ सेंट थॉमस। नेक्स्ट राइटर है टी ई ह्यूम, इनका टाइम पीरियड है 1883 से 1917 तक।
इनके मेजर वर्क्स हैं द कलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ टी ई ह्यूम, नेक्स्ट सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ टी ई ह्यूम, नेक्स्ट स्पेकुलेशंस एसेज ऑन ह्यूमनिज्म एंड द फिलोसफी ऑफ आर्ट, नेक्स्ट है फर्दर स्पेकुलेशंस ऑफ टी ई ह्यूम, नेक्स्ट नोट्स ऑन लैंग्वेज एंड स्टाइल. नेक्स्ट राइटर है सीजफ्रिड सेसर. इनका टाइम पीरियड है 1886 से 1967. इनके मेजर वर्क्स हैं पोइट्री है इनकी द डेफोडिल मर्डरर, नेक्स्ट द ओल्ड हंट्समैन, नेक्स्ट काउंटर अटैक एंड अदर पोएम्स, नेक्स्ट द हीरो, नेक्स्ट पिक्चर शो, नेक्स्ट वॉर पोएम्स, नेक्स्ट आफ्टरमैथ, नेक्स्ट रिक्रिएशंस, नेक्स्ट है द हार्ट्स जर्नी, नेक्स्ट है विजिल्स, नेक्स्ट राइम्ड रूमिनेशंस, नेक्स्ट कलेक्टेड पोएम्स, नेक्स्ट कॉमन कोड्स, नेक्स्ट लेंटन इल्यूमिनेशंस, नेक्स्ट है द पाथ टू पीस, नेक्स्ट द वॉर पोएम्स. प्रोज है इनकी मेमोरीज ऑफ अ फॉक्स हंटिंग मैन, नेक्स्ट मेमोरीज ऑफ एन इन्फेंट्री ऑफिसर, नेक्स्ट शेरस्टन्स प्रोग्रेस, नेक्स्ट ऑन पोइट्री, नेक्स्ट सीजफ्रिड्स जर्नी, नेक्स्ट कंप्लीट मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज शेरस्टन. नेक्स्ट राइटर है एडविन मुयर. इनका टाइम पीरियड है 1887 से 1959 तक. इनके मेजर वर्क्स हैं वी मॉडर्न्स, एनिग्मास एंड गैसेस अंडर द साइडोनियम एडवर्ड मूर, नेक्स्ट लेटिट्यूड्स, नेक्स्ट है फर्स्ट पोएम्स, नेक्स्ट कोरस ऑफ द न्यूली डेड, नेक्स्ट द मैरियोनेट, नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द नोवल, नेक्स्ट वेरिएशंस ऑन अ टाइम थीम, नेक्स्ट है जर्नीज एंड प्लेसेस, नेक्स्ट द स्कॉट्स एंड देयर कंट्री, नेक्स्ट द लेबिरिंथ, नेक्स्ट कलेक्टेड पोएम्स, नेक्स्ट एन ऑटोबायोग्राफी, नेक्स्ट वन फुट इन ईडन, नेक्स्ट कलेक्टेड पोएम्स, नेक्स्ट द स्टोरी एंड द फेबल एन ऑटोबायोग्राफी, नेक्स्ट द थ्री ब्रदर्स, नेक्स्ट है पुअर टॉम. नेक्स्ट राइटर है एडिथ सिटवेल. इनका टाइम पीरियड है 1887 से 1964 तक. इनके मेजर वर्क्स हैं क्लाउंस हाउसेस, नेक्स्ट मदर एंड अदर पोएम्स, नेक्स्ट द वुडन पिकेसस, नेक्स्ट फैकेट, नेक्स्ट ब्यूकॉलिक कॉमेडीज, नेक्स्ट द स्लीपिंग ब्यूटी, नेक्स्ट ग्रीन सॉन्ग एंड अदर पोएम्स, नेक्स्ट है द कैंटिकल ऑफ द रोज, सेलेक्टेड पोएम्स, नेक्स्ट गार्डनर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स, न्यू पोएम्स, नेक्स्ट कलेक्टेड पोएम्स, नेक्स्ट द आउटकास्ट, नेक्स्ट है द इंग्लिश इसेंट्रिक्स, नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री, नेक्स्ट अ पोइट्स नोटबुक, नेक्स्ट फैनफेयर फॉर एलिजाबेथ, अ बायोग्राफी ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, नेक्स्ट है द क्वींस एंड द हाइव, A biography of Elizabeth First. Next, Taken Care of, ये autobiography है. Next, Street Songs. Next है The Song of the Cold. Next, The Shadow of Cain. Next, The Drowned Sons. Next writer है Osbert Sitwell. इनका time period है 1892 से 1969 तक. इनके major works हैं The Winstonbury Line. Next, Argonaut and Juggernaut, next The Man Who Lost Himself, next Triple Fuse, next Before the Bombardment, next है Collected Satires and Poems, next Left Hand, Right Hand, next The Scarlet Tree, next Great Morning, next Laughter in the Next Room, next Novel Essences, नेक्स्ट है द फोर कॉन्टिनेंट्स, नेक्स्ट पोएम्स अबाउट पीपल. नेक्स्ट राइटर है टी एस इलियट. इनका टाइम पीरियड है 1888 से 1965 तक. इनके मेजर वर्क्स हैं
पोइट्री है इनकी, प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, जिसपे इन्होंने लिखा है द लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड आंट हेलन। नेक्स्ट पोइम्स है इनकी जेरोनशन, नेक्स्ट स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स, नेक्स्ट माई इलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस, नेक्स्ट अ कुकिंग एग, नेक्स्ट है द वेस्ट लैंड, नेक्स्ट द होलो मैन, नेक्स्ट एरियल पोइम्स, नेक्स्ट है द जर्नी ऑफ द मैगी, नेक्स्ट एश वेडनेसडे, नेक्स्ट फोर क्वार्टेट्स। प्लेस लिखे हैं इन्होंने स्वीनी एगोनिस्ट, नेक्स्ट द रॉक, नेक्स्ट मर्डर इन द कैथेड्रल, नेक्स्ट द फैमिली रीयूनियन, नेक्स्ट द कॉकटेल पार्टी, नेक्स्ट द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, नेक्स्ट द एल्डर स्टेट्समैन। नेक्स्ट राइटर है रिचर्ड ऑल्डिंगटन, इनका टाइम पीरियड है 1892 से 1962 तक। पोइट्री है इनकी इमेजेस, नेक्स्ट इमेजेस, उन्होंने इमेजेस को लेकर कई पोइम्स लिखी हैं, तो उनका जो पब्लिश का टाइम है या उनका लिखने का जो टाइम है वो यहाँ दिया हुआ है, ईयर आप देख सकते हैं। फर्स्ट है इमेजेस 1910 टू 1915, नेक्स्ट है इमेजेस, नेक्स्ट इमेजेस ऑफ वॉर, नेक्स्ट इमेजेस ऑफ डिज़ायर, नेक्स्ट वॉर एंड लव, नेक्स्ट एग्जाइल एंड अदर पोएम्स, नेक्स्ट अ फूल, द फॉरेस्ट, अ फैंटास्मैगोरिया, नेक्स्ट द लव ऑफ मायरहाइन एंड कोनेलिस एंड अदर प्रोज, नेक्स्ट अ ड्रीम इन द लग्जमबर्ग, नेक्स्ट लव एंड लग्जमबर्ग, नेक्स्ट कलेक्टेड पोएम्स 1915 टू 1923, नेक्स्ट है द क्रिस्टल वर्ल्ड, नेक्स्ट द इमेजेस एट वॉर, द कंप्लीट वॉर पोएम्स ऑफ रिचर्ड ऑल्डिंगटन। नोवेल्स हैं इनके डेथ ऑफ अ हीरो, नेक्स्ट हेल्डन टोड, नेक्स्ट द कोलोनल्स डॉटर, नेक्स्ट स्टैपिंग हेवनवर्ड अ रिकॉर्ड, नेक्स्ट ऑल मैन आर एनिमीज अ रोमांस, नेक्स्ट वुमेन मस्ट वर्क, नेक्स्ट सेवन अगेंस्ट रीव्स अ कॉमेडी फार्स, नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड गेस्ट, नेक्स्ट रोमांस ऑफ कैजोनोवा। नेक्स्ट राइटर है डब्ल्यू एच ऑर्डन, इनका टाइम पीरियड है 1907 से 1973 तक। इनके मेजर वर्क्स हैं पोएम्स, नेक्स्ट द ऑपरेटर्स एंड इंग्लिश स्टडी डेडिकेटेड टू स्टीफन स्पैंडर, नेक्स्ट द डांस ऑफ डेथ प्ले है डेडिकेटेड टू रॉबर्ट मेडले एंड रूपर्ट डून, नेक्स्ट द डॉग बीनीथ द स्किन प्ले है विद क्रिस्टोफर इशरवुड डेडिकेटेड टू रॉबर्ट मूडी, नेक्स्ट लुक स्ट्रेंजर, नेक्स्ट फॉर द टाइम बीइंग, नेक्स्ट द एज ऑफ एंजाइटी अ बैरक एक्लॉग डेडिकेटेड टू जॉन बेंजामिन, नेक्स्ट द शील्ड ऑफ अचिलस, नेक्स्ट द इंच फैट फ्लड और द रोमांटिक आइकोनोग्राफी ऑफ द सी डेडिकेटेड टू एलन एंसन। नेक्स्ट राइटर है स्टीफन स्पैंडर, इनका टाइम पीरियड है 1909 से 1995 तक। इनके मेजर वर्क्स हैं पोएम्स, नेक्स्ट वियना, नेक्स्ट ट्रायल ऑफ अ जज, नेक्स्ट द एज ऑफ बीइंग, नेक्स्ट वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, नेक्स्ट द जेनरस डेज, नेक्स्ट लव हेट रिलेशंस, नेक्स्ट द थर्टीज एंड आफ्टर, नेक्स्ट कलेक्टेड पोएम्स 1928 टू 1985। नेक्स्ट है डॉल्फिन्स, नेक्स्ट राइटर है सिसिल डे लुइस, इनका टाइम पीरियड है 1904 से 1972 तक। पोइट्री कलेक्शन है इनका ट्रांजिशनल पोएम, नेक्स्ट फ्रॉम फेदर्स टू आयरन, नेक्स्ट कलेक्टेड पोएम्स 1929 टू 1933, नेक्स्ट अ टाइम टू डांस एंड अदर पोएम्स, नेक्स्ट ओवरचर्स टू डेथ, नेक्स्ट Short is the time, next Pegasus and other poems, next The Whispering Roots and other poems, next novels written as Nicholas Black के रूप में जो novels लिखे हैं वो हैं इनके A Question of Proof, next Doubt of Death,
also published as Shell of Death. Next day, there is trouble brewing. Next, the beast must die. Next, the case of the abominable snowman, also published as the corpse in the snowman. Next, the dreadful hollow. Next, the widow's cruise. Next, the worm of death. Next, the private wound. नेक्स्ट चिल्ड्रन नोवेल्स लिखे हैं इन्होंने, वो हैं इनके डिक विलोगवी. नेक्स्ट द ऑटरबरी इंसिडेंट. नेक्स्ट राइटर है लुइस मैकनीस. इनका टाइम पीरियड 1907 से 1963 तक. पोइट्री कलेक्शन है इनका ब्लाइंड फायरवर्क्स. नेक्स्ट पोइम्स. नेक्स्ट लेटर्स फ्रॉम आइसलैंड विद डब्ल्यू एच ऑर्डन पोइट्री एंड प्रोज. Next, the earth compels. Next, autumn journal. Next, prayer before birth. Next, holes in the sky. Next, tan burnt offerings. Next, autumn sequel. Next, the burning path. Next, stargazer. Plays hain ke the Agamemnon of Achilles. Next, Christopher Columbus. Next, Goethe's Faust. Next, the Mad Island and the Administrator. Next, Persons from Porlock and other plays for radio. Next, One for the Grave, a modern morality play. Non-fiction hai inki, I Cross the Minch. Next, Modern Poetry, a Personal Essay. Next, Jew. Next, The Poetry of W.B. Yeats. Next, The Strange Are False. ये ऑटोबायोग्राफी है. नेक्स्ट राइटर है वॉल्टर डी ला मेयर. इनका टाइम पीरियड है 1873 से 1956 तक. इनके नोवेल्स हैं हेनरी ब्रोकन. नेक्स्ट द थ्री मुल्ला मुलगर्स. नेक्स्ट द रिटर्न. नेक्स्ट मेमोयर्स ऑफ अ मिजेट. नेक्स्ट मिस्टर बम्प्स एंड हिज मंकी. शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका The Riddle and Other Stories. Next, Ding Dong Bell. Next, Broomsticks and Other Tales. ये children's stories हैं. Next, the Conizer and Other Stories. Next, the Lord Fish. ये भी children's stories हैं. Next, Eight Tales. Poetry collection है इनका. Songs of Childhood. Next, the Listeners. Next, Peacock Pie. Next, the Marionettes. नेक्स्ट अ लवली इंग्लैंड. नेक्स्ट राइटर है जॉन मेसफील्ड. इनका टाइम पीरियड है 1878 से 1967 तक. इनका पोइट्री कलेक्शन है सॉल्ट वाटर बैलेट्स. नेक्स्ट बैलेट्स. नेक्स्ट फिलिप द किंग एंड अदर पोएम्स. लॉलिंगडन डाउन्स एंड अदर पोएम्स विद सोनेट्स. नेक्स्ट किंग कोल एंड अदर पोएम्स. नेक्स्ट द ड्रीम एंड अदर पोएम्स. नेक्स्ट Midsummer Night and Other Tales in Verse. Next, Old Rager and Other Verses. Novels hain ke A Tarpaulin Master. Next, Captain Margaret. Next, Multitude and Solitude. Next, Sard Harker. Next, The Midnight Fog. Next, The Box of Delights or When the Wolves Were Running. Next, Victorious Troy or the Herring Angel. Next, Baden Parchments. Plays hai inke The Camden Wonder. Next, The Tragedy of Pompey the Great. Next writer hai Dylan Thomas. Inka time period hai 1914 se 1953 tak. Poetry collection hai inka 18 poems. Next, The Map of Love. Next, Deaths and Entrances. Next, In Country Sleep. Next, 25 poems. Next, New Poems. Next, 26 poems. Collected prose work hai inke. Portrait of the Artist as a Young Dog. Next, Quite Early One Morning. Next, A Prospect of the Sea and Other Stories and Prose. Next, Rebecca's Daughters. Next, The Year of Love. Next, Selected Writings of Dylan Thomas.
नेक्स्ट अ चाइल्ड्स क्रिसमस इन वेल्स. नेक्स्ट ड्रामाज हैं इनके. नेक्स्ट है अंडर मिल्कवुड. नेक्स्ट द डॉक्टर एंड द डेविल्स एंड अदर स्क्रेप्स. नेक्स्ट द बीच ऑफ फालेसा. स्क्रीन प्ले है ये. नेक्स्ट है इसमें मेजर प्लेराइट्स हैं मॉडर्न एज के. लेडी ग्रिगोरी, इनका टाइम पीरियड 1852 से 1932 तक. इनके मेजर वर्क हैं द जैकडो. नेक्स्ट अ लॉसिंग गेम. नेक्स्ट 25. नेक्स्ट स्प्रेडिंग द न्यूज. नेक्स्ट किनकोरा एंड द वाइट कॉकेट. नेक्स्ट हिसिंथ हैली. नेक्स्ट द डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ. नेक्स्ट द कैनवंस. नेक्स्ट सेवन शॉर्ट प्लेस. नेक्स्ट द गोल्डन एप्पल. अ प्ले फॉर किल्टार्टन चिल्ड्रन. नेक्स्ट राइटर है जी बी शॉ. इनका टाइम पीरियड है 1856 से 1950 तक. ड्रामास हैं इनके प्लेस अनप्लीजेंट. नेक्स्ट विडोअर्स हाउसेस. नेक्स्ट द फिलांडरर. नेक्स्ट मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन. नेक्स्ट प्लेस प्लीजेंट. नेक्स्ट आर्म्स इन द मैन. नेक्स्ट है कैंडिडा. नेक्स्ट द मैन ऑफ डेस्टिनी. नेक्स्ट यू नेवर कैन टेल. नेक्स्ट थ्री प्लेस फॉर पुरितंस. नेक्स्ट द डेविल्स डिसिपल. नेक्स्ट सीजर एंड क्लियोपेट्रा. नेक्स्ट कैप्टन ब्रास बाउंड्स कन्वर्जन. नेक्स्ट मैन एंड सुपरमैन. नेक्स्ट मेजर बारबरा. नेक्स्ट द डॉक्टर्स डायलेमा. नेक्स्ट पिग्मेलियन. नेक्स्ट बैक टू मैथ्यूसेला. नेक्स्ट इन द बिगिनिंग. नेक्स्ट द गॉस्पेल ऑफ द ब्रदर्स बैरन बार्नेबस. नेक्स्ट द थिंग हैपन्स. नेक्स्ट ट्रेजिडी ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन. नेक्स्ट एज फार एज थॉट कैन रीच. नेक्स्ट सेंट जॉन. एसेज हैं इनके क्विंटसेंस ऑफ इप्सनिज्म. नेक्स्ट द परफेक्ट बेगन राइट. कमेंट्री ऑन द रिंग. नेक्स्ट द इंटेलिजेंट वुमेन्स गाइड टू सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म. नेक्स्ट राइटर हैं जेम्स मैथ्यू बैरी. इनका टाइम पीरियड है 1860 से 1937 तक. इनके मेजर वर्क्स हैं ओल्ड लिंच्ड इडिल्स. नेक्स्ट बैटर डैड. नेक्स्ट व्हेन अ मैन सिंगल. नेक्स्ट अ विंडो इन ट्रम्स. नेक्स्ट माय लेडी निकोटाइन. नेक्स्ट द लिटिल मिनिस्टर. नेक्स्ट रिचार्ड सैवेज. नेक्स्ट क्वालिटी स्ट्रीट. नेक्स्ट द एडमायरेबल क्रिस्टन. नेक्स्ट द लिटिल वाइट बर्ड और एडवेंचर्स इन कैंसिंगटन गार्डन्स. नेक्स्ट लिटिल मैरी. नेक्स्ट पीटर पैन. नेक्स्ट पीटर पैन इन कैंसिंगटन गार्डन्स. नेक्स्ट व्हाट एवरी वुमेन नोज. नेक्स्ट है व्हेन वैंडी ग्रू अप एन आफ्टर थॉट. नेक्स्ट पीटर एंड वैंडी. नेक्स्ट अ किस फॉर सिंड्रेला. नेक्स्ट मैरी रोज. नेक्स्ट राइटर हैं जॉन गाल्सवर्दी. इनका टाइम पीरियड 1867 से 1933 तक. इनके मेजर वर्क्स हैं फ्रॉम द फोर विंड्स. नेक्स्ट जोसेलिन. नेक्स्ट विला रूबीन. नेक्स्ट अ मैन ऑफ डेवन. नेक्स्ट द आइलैंड फेरिसीज. नेक्स्ट फ्रीलैंड्स. नेक्स्ट द पैट्रिसियन. नेक्स्ट द सिल्वर बॉक्स. नेक्स्ट स्ट्राइफ. नेक्स्ट फ्रेटर्निटी. नेक्स्ट जॉय. नेक्स्ट जस्टिस. नेक्स्ट द स्किन गेम. नेक्स्ट लॉयलिटीज. नेक्स्ट द डार्क फ्लावर. नेक्स्ट द कंट्री हाउस. नेक्स्ट द पिजन. नेक्स्ट द एल्डेस्ट सन. नेक्स्ट फ्यूजिटिव. नेक्स्ट द मूव. नेक्स्ट अ बिट ऑफ लव. नेक्स्ट द फाउंडेशंस. नेक्स्ट विंडोज. नेक्स्ट है द फैमिली मैन. नेक्स्ट द फॉरेस्ट. नेक्स्ट एस्केप. नेक्स्ट एक्साइल्ड. नेक्स्ट द रूफ. नेक्स्ट द विंटर गार्डन. नेक्स्ट द फोर साइड सागा. ये थ्री ट्रिलॉजीज लिखी हैं इन्होंने, जिसमें फर्स्ट ट्रिलॉजी है द फोर साइड सागा. इसमें इन्होंने थ्री नॉवेल्स लिखे हैं और टू इंटरव्यूज लिखे हैं. तो इसमें है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये नॉवेल है. इंडियन समर ऑफ अ फोर साइड, ये इंटरल्यूड है.
फिर है नेक्स्ट सॉरी इन चांसरी ये नोबल है, अवेकनिंग ये इंटरल्यूड है, और नेक्स्ट टू लेट ये नोबल है। तो इसमें ये थ्री नोबल्स हैं और टू इंटरल्यूड्स हैं। तो ये फर्स्ट ट्रिलॉजी है द फोरसाइट सागा। सेकेंड ट्रिलॉजी इन्होंने लिखी है अ मॉडर्न कॉमेडी, जो कि सीक्वल है फोरसाइट सागा का। इसमें भी इन्होंने थ्री नोवेल्स लिखे हैं और टू इंटरल्यूड्स लिखे हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा है द वाइट मंकी नोवेल है ये, नेक्स्ट द साइलेंट वूइंग ये इंटरल्यूड है, नेक्स्ट द सिल्वर स्पून ये नोवेल है, नेक्स्ट पासर्स बाई ये इंटरल्यूड है, नेक्स्ट स्वान सॉन्ग ये नोवेल है। थर्ड ट्रिलॉजी है इनकी एंड ऑफ द चैप्टर, इसमें लिखा है इन्होंने मेड इन वेटिंग, नेक्स्ट फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, नेक्स्ट ओवर द रिवर या फिर इसे बर्न मोर रिवर भी कहते हैं। नेक्स्ट राइटर है सीन ओ कैजी, इनका टाइम पीरियड है 1800 से 1964 तक। नेक्स्ट राइटर है नोल कावर्ड, इनका टाइम पीरियड है 1899 से 1973 तक। इनके मेजर वर्क्स हैं द रेड ट्रैप, नेक्स्ट आई शैल लीव इट टू यू, नेक्स्ट द यंग आइडिया, नेक्स्ट सायरुको, नेक्स्ट द बेटर हाफ, नेक्स्ट द क्वीन वाज इन द पार्लर, नेक्स्ट वेदर वाइज, नेक्स्ट फॉलन एंजल्स, नेक्स्ट द वॉर्टेक्स, नेक्स्ट हे फीवर, नेक्स्ट ऐसे सॉरी इजी वर्चू, नेक्स्ट सैमी मॉन्ड ओरिजिनली रिच बार, नेक्स्ट दिस वाज अ मैन, नेक्स्ट द मार्केस, नेक्स्ट प्राइवेट लाइव्स, नेक्स्ट पोस्टमार्टम, नेक्स्ट कैवलकेड, नेक्स्ट डिजाइन फॉर लिविंग, नेक्स्ट ब्लिथ स्पिरिट, नेक्स्ट पीस इन आवर टाइम, नेक्स्ट क्वाड्रिल, नेक्स्ट न्यूड विद वायलन, नेक्स्ट वेटिंग इन द विंग्स। नेक्स्ट राइटर है सैमुअल बैकेट, इनका टाइम पीरियड है 1906 से 1989 तक। थिएटर है इनके वेटिंग फॉर गॉडोट, नेक्स्ट एक्ट विदाउट वर्ड्स फर्स्ट, एक्ट विदाउट वर्ड्स सेकेंड, नेक्स्ट एंड गेम, नेक्स्ट क्रैप्स लास्ट स्टेप, नेक्स्ट हैप्पी डेज। नोवेल्स हैं इनके ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वुमेन, नेक्स्ट मर्फी, नेक्स्ट वॉट, नेक्स्ट मुलॉय, नेक्स्ट है मेलोन डाइज, नेक्स्ट द अननेमेबल, नेक्स्ट हाउ इट इज। नेक्स्ट राइटर है आर्थर एडमो, इनका टाइम पीरियड है 1908 से 1970 तक। इनके मेजर वर्क्स हैं ला ग्रैंड एट ला पिटाइट मैन्यूवर, यानी कि द ग्रैंड एंड स्मॉल मैन्यूवर, ये वर्क्स इन्होंने फ्रेंच में लिखे हैं। नेक्स्ट है लिसेंस डी ला मार्क, यानी कि द वे टू गो, नेक्स्ट टोस कॉन्टर टोस, यानी कि ऑल अगेंस्ट ऑल, नेक्स्ट ले पिंग पोंग, यानी कि पिंग पोंग, नेक्स्ट ला पैरोडी, यानी कि द पैरोडी, नेक्स्ट एल इन्वेजन, यानी कि द इन्वेजन, नेक्स्ट ली प्रोफेसर टैरन, यानी कि प्रोफेसर टैरन। नेक्स्ट राइटर है यूजीन आयोनिस्को, इनका टाइम पीरियड है 1909 से 1994 तक। इनके मेजर वर्क्स हैं द बाल्ड सोप्रानो, नेक्स्ट द चेयर्स, नेक्स्ट राइनोसेरस, नेक्स्ट एमिडी और हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। नेक्स्ट है एग्जिट द किंग, नेक्स्ट हंगर एंड थर्स्ट। नेक्स्ट राइटर है जीन गैनेट, इनका टाइम पीरियड है 1910 से 1986 तक। ये भी फ्रेंच पोइट है, फ्रेंच में ही इन्होंने वर्क्स लिखे हैं अपने। नोबल्स एंड ऑटोबायोग्राफीज हैं इनकी अवर लेडी ऑफ द फ्लावर्स, नेक्स्ट द मिरेकल ऑफ द रोज, नेक्स्ट फ्यूनरल राइट्स, नेक्स्ट द थीव्स जर्नल। प्लेस है इनके डेथ वॉच, नेक्स्ट द मेड्स, नेक्स्ट द बालकनी, नेक्स्ट द ब्लैक्स, नेक्स्ट द स्क्रीन्स। नेक्स्ट राइटर है जॉन ऑसबोर्न, इनका टाइम पीरियड 1929 से 1994 तक। प्लेस है इनके द डेविल इनसाइड विद स्टेला लिंडन, नेक्स्ट लुक बैक इन एंगर, नेक्स्ट द एंटरटेनर, नेक्स्ट ल्यूथर, नेक्स्ट Inadmissible Evidence, next A Portrait for Me।
ऑटोबायोग्राफी है इनकी, अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन, नेक्स्ट ऑलमोस्ट अ जेंटलमैन, सिक्वल टू अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन। नेक्स्ट राइटर है हैरोल्ड पिंटर, इनका टाइम पीरियड है 1930 से 2008। इनके मेजर वर्क्स हैं द रूम, नेक्स्ट द बर्थडे पार्टी, नेक्स्ट द डम वेटर, नेक्स्ट द केयर टेकर, नेक्स्ट द ड्वार्फ, नेक्स्ट द होम कमिंग, नेक्स्ट द बेसमेंट, नेक्स्ट मोनोलॉग, नेक्स्ट फैमिली वॉइसेस, नेक्स्ट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नेक्स्ट पार्टी टाइम, नेक्स्ट सेलिब्रेशन। यहाँ इस वीडियो में मेजर सॉरी मॉडर्न एज से रिलेटेड जो मेजर पोइट्स हैं, मेजर प्लेराइट्स हैं, उनके बारे में और उनके वर्क्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मॉडर्न एज में कौन कौन से मेजर पोइट्स हैं, कौन कौन से मेजर प्लेराइट्स हैं और उनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं। मॉडर्न एज से रिलेटेड जो मेजर नोबलिस्ट हैं और सम अदर राइटर्स भी हैं, उनसे रिलेटेड उनके वर्क्स के बारे में वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। यहाँ पर इतना ही बता है पोइट्स के बारे में और प्लेराइट्स के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मॉडर्न एज को। तो इसके लिए आप अगली वीडियो देख सकते हैं आगे नोबलिस्ट के लिए, जो अदर राइटर्स हैं बाकी मॉडर्न एज के, उसके लिए अगली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिटरेचर से रिलेटेड नोट्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और नोट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।